नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। चौथे चरण का आज मतदान होना है और मतदान के साथ ही कई दिग्गज नेताओं की जो किस्मत है वो आज लिखी जाएगी। एक तरफ जहां 2024 लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होने वाला है, आज मतदान की जो प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां न्यूज फॉर्मेशन की तरफ से लगातार आपको लाइव अपडेट दिखाए जा रहे हैं बिहार के जिन जिन सीटों पर आज चौथे चरण का मतदान होने वाला है, उन सीटों की बात करें तो चौथे चरण के मतदान में दरभंगा, समस्तीपुर, उजियारपुर, मुंगेर और बेगूसराय की सीट जो है वो शामिल है। बिहार में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इस चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर संसदीय क्षेत्रों में वोट आज पड़ेगा। चुनाव आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ईवीएम बूथों तक पहुंच चुके हैं। सभी बूथों पर सशस्त्र सुरक्षा बल और मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है। मतदान शुरू होने से पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मॉक पोल हो चुका है। इसके बाद सुबह 7 बजे से आज जो है मतदान शुरू हो चुका है। 5 सीटों पर मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। इसमें गिरिराज सिंह, ललन सिंह, आलोक मेहता, नित्यानंद राय और समेत कई दिग्गजों की किस्मत जो है आज वो दांव पे लगने वाली है। चरण में 95,83,662 मतदान में 9,447 बूथों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक ललित यादव, श्यामावी चौधरी, सनी हजारी, पूर्व मंत्री और विधायक आलोक मेहता सहित 55 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इनमें 4 महिलाएं जबकि 51 पुरुष शामिल हैं। 4 चक्रीय सुरक्षा घेरों में मतदान को लेकर सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस चरण में शहरी क्षेत्र के 1532 और ग्रामीण क्षेत्रों के 7,915 बूथ जो है वो बनाए गए हैं। इन बूथों पर सशस्त्र सुरक्षा बल को घेरा होगा और बूथों के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग भी जारी रहेगी। मुख्य सड़कों पर आम लोगों के आने जाने पर नजर रखी जाएगी। चौथे चरण के जो मतदान केंद्र हैं, जहां मतदान किया जा रहा है, वहां पर पूरी तैयारियां जो है वो काफी ज्यादा कर ली गई है। एक तरफ जहां अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा के अनुसार मुंगेर संसदीय क्षेत्र के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 1 से लेकर 22, 28, 34, 63, 67, 69, 71, 72 और तमाम जो बूथ हैं उनमें कुल 230 बूथों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। शेष 110 बूथों पर सुबह 7 बजे से 4 बजे तक ही मतदान होगा। वहीं इस चरण के अन्य संसदीय क्षेत्रों के सभी बूथों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो आज चौथे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। लोग जो है वो मतदान देने के लिए यानी वोट देने के लिए आ रहे हैं। और आज ये चौथे चरण के चुनाव के बाद जिन जिन प्रत्याशियों ने इस पर किस्मत आजमाई है, उनकी जो किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।